अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यमी से गुड़ वाले चावल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में इसको प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चावल। इसको मैंने पानी में सोख कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 200 ग्राम है गुड़, 1/4 कप ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 अदद बादियान के फूल, 1 टीस्पून सौंफ, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 2 टेबल स्पून मिल्क, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 2 टेबल स्पून किशमिश, 1 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून कटा खोपरा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक खुले से बर्तन में हम ले लेंगे काफ़ी सारा पानी। पानी हम ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा इसलिए लेंगे ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। इसमें ऐड करेंगे बादियान का फूल, सौंफ, नमक, सब्ज़ इलायची, दालचीनी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको एक बॉईल आने तक कुक कर लेंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए 70% हमारे राइस कुक हो गए हैं। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। पैन में लेंगे ऑयल, इसमें ऐड कर देंगे गुड़ और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मिल्क और इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तब तक कुक करेंगे जब तक गुड़ हमारा डिसॉल्व नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पे गुड़ हमारा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। गुड़ अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा खोपरा, किशमिश, पिस्ते, बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी इसमें हम अपने राइस ऐड कर देंगे। ओवर कुक किया तो चाशनी हमारी स्टिकी हो जाएगी और राइस हमारे बहुत जुड़े जुड़े से बनेंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। इसलिए जैसे ही हमारा गुड़ मेल्ट होगा हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस हमारे 70% कुक हैं, बाकी 30% ये दम में कुक हो जाएंगे। कवर कर देंगे और इसके नोज़ल को भी मैं कवर कर दूंगी ताकि स्टीम बाहर ना आए। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको स्पून की बैक साइड से इसकी स्टीम निकाल दूंगी ताकि ये खिले खिले बने। ये देखिए किस कदर खूबसूरत हमारे राइस बने हैं, खिले खिले। अब मैं इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी गुड़ वाले चावल तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमारे घर में बना है मीठा और ये मीठा हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो आज बने हैं गुड़ वाले चावल। ये रिवायती डिश है जो कि पंजाबियों की खासियत होती है। तो ये हमारी दादी बहुत बेहतरीन किस्म के गुड़ वाले चावल बनाया करती थी। अम्मी ने सीखा, फिर शुमाला ने अम्मी से सीखा और ये रेसिपी हमारे यहाँ बनती है। तो ये बहुत अमेजिंग सी रेसिपी होती है। सो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने। सो ये देखें इतने यमी से
कलर देखे कितना खूबसूरत है इनका, और कितने गुड़ वाले यमी यमी लग रहे हैं ये। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत यमी है, बहुत 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 यमी है। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये अम्मी के हाथ का ना हो, ये ऐसा लग रहा है कि मैं अम्मी के हाथ के चावल खा रही हूँ। इसमें गुड़ का जायका, इसमें इलायची का जायका, और सबसे ज्यादा इनहेंस करी है इसको सौंफ और गुड़ मिलके, यकीन जाने हेवनली बाइट बन रहा है कि इसको आप खाते जाएंगे जनाब। और रुकने वाले नहीं, मेरे फादर को भी बहुत पसंद है गुड़ वाले चावल, सो ये आज उनको डिश डेडिकेट की जाती है अब्बू के नाम। तो गाइस जब ये रेसिपी आए तो आपने जरूर ट्राई करनी है, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल रेसिपी, और सर्दियों का ये तोहफा होगा आपके लिए, जरूर बनाइएगा। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत औसम रेसिपी है और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, इतना यमी इसमें गुड़ का जायका है ना, बहुत मजा आएगा आपको खा के। दुआ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।